नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेज टू पावर फाइव अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर माइनस वन बाई टू डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट एक्स हमें करना है। यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट है, तो यू इंटू वी वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को यू, सेकंड को वी लेट कर लेते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास इसका, यू एज इट इज डी बाय डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पर यू का। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले यू एज इट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेज टू पावर फाइव बाय थ्री इंटू डी बाई डी एक्स वी, वी हमारे पास है एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर माइनस वन बाय टू प्लस वी एज इट इज रखेंगे एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर माइनस वन बाय टू और डेरिवेटिव कर देंगे हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेज टू पावर फाइव बाय थ्री। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले एज इट इज ये टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेज टू पावर फाइव बाय थ्री इंटू, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस वन बाय टू और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस थ्री बाय टू हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री बाय टू और फिर एक्स का करेंगे तो ये यहाँ पर बना जाएगा प्लस यहाँ पर एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर माइनस वन बाय टू डेरिवेटिव यहाँ पर फाइव बाय थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फाइव बाय थ्री माइनस वन यानी टू बाय थ्री हो जाएगा इंटू फिर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री यहाँ पर हो जाएगा ये फोर एक्स बाय चेन रूल के द्वारा हमने ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। चलिए यहाँ पर इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेज टू पावर फाइव बाय थ्री वन बाय टू को माइनस वन बाय टू को हम आगे ले आते हैं और ये यहाँ पर नेगेटिव पावर नीचे पॉजिटिव आ जाएगी। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो हम इसको एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर माइनस थ्री बाय टू यहाँ पर ऊपर पावर ले जाएंगे प्लस यहाँ पर एक्स प्लस फाइव माइनस वन बाय टू फाइव बाय थ्री और फोर एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी एक्स अपॉन थ्री। इसको हम आगे लिख लेंगे ट्वेंटी एक्स अपॉन थ्री, ट्वेंटी प्लस का यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा साइन ताकि क्लियर दिखाए ट्वेंटी एक्स अपॉन थ्री और यहाँ पर ये हमने लिख दिया है। इसके बाद टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेज टू पावर टू बाय थ्री, तो यहाँ पर हमारे पास हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन हमें हमेशा छोटी पावर वाला ही हमें लेना है। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन लेते हैं तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री यहाँ पर फाइव बाय थ्री है यहाँ पर टू बाय थ्री है तो टू बाय थ्री को हम कॉमन ले लेंगे और उसके बाद एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू तो माइनस वन बाय टू को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर माइनस वन बाय टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू बाय थ्री फाइव बाय थ्री में से टू बाय थ्री गया तो थ्री बाय थ्री वन आ जाएगा
तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x² + 3 × x + 5 − 3/2 में से −1/2 हम यहाँ पर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा −2/2 यानी कि −1, तो ये x + 5 raised to power −1, उसके बाद प्लस 20x/3, ये सेम यूं कहीं लिखेंगे, और यहाँ पर x + 5 raised to power −1/2 ये पूरा कॉमन आ चुका है, और यहाँ पर ये भी पूरा कॉमन आ चुका है, तो हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा, हम ब्रैकेट वाला यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये यहाँ पर आ जाएगा −2x² + 3, ये 2 हमारा यहाँ पर नीचे आएगा, और ये पॉजिटिव पावर बना लेंगे इसको, x + 5 + 20x/3, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, x + 5, 2 × 3 = 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 = 6x², और ये यहाँ पर हो जाएगा +9, बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, उसके बाद 3 × 2 = 2x + 5, प्लस का साइन है तो 2x + 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20x को, और ये हमारा एज इट इज यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर −6x² − 9, यहाँ पर 20x को यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x + 10 हो जाएगा, 2x + 10, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40x, और 20x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 20x को 2x से करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, और 20x को 10 से करेंगे तो यहाँ पर 200x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे 6x + 5 ये हमारा एज इट इज रहेगा, 40 में से यहाँ पर 6 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 34x² + 200x − 9/6x + 5, और बाहर हमारा यहाँ पर था, ये हम लिख देंगे जो कॉमन लिया था हमने, 2x² + 3 raised to power 2/3 × यहाँ पर x + 5 − 1/2 हमने ये पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे जाएगी पावर, x + 5 raised to 1/2 ये यहाँ पर पॉजिटिव हमने बना लिए पावर, तो चलिए सोल्व करते हैं, 2x² + 3 raised to power 2/3 मल्टीप्लाई 34x² + 200x − 9/6x + 5, बेस सेम है 1/2 + 1, यहां पर 3/2 आ जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर विद रेस्पेक्ट टू एक्स दो फंक्शन का ये आंसर हमारा आ जाएगा। सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट को हम यहां पर सोल्व करते हैं, लेंथी क्वेश्चन है थोड़े, और साइन का और डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान रखना थोड़ा, एक अगर साइन की मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इनकी, और बड़े ध्यान से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट हमारा है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू
3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3 इनटू 5x स्क्वायर माइनस 1 5x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमें, चलिए सॉल्व करते हैं। u इनटू v का फार्मूला वही सेम फार्मूला लगेगा, सबसे पहले u एज इट इज रखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी v का, 5x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस एज इट इज सेकंड फंक्शन 5x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स यू। यू हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3, तो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3, और यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है तो इसको कैसे करेंगे, चेन फार्मूले से 2 5x स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस 1 1 इंटू 5x स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा 2 5 जा 10x प्लस ये एज इट इज 5x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर फिर कंपोजिट फंक्शन है तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 3 माइनस 1 2 और फिर 3x स्क्वायर का यहाँ पर 2 3 जा 6x और प्लस 2 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पर 10x और 2x ये हमारा हो जाएगा 20x, 3x स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर 6 3 जा 18x 5x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 18x और 20x यहाँ पर 2x हमारा कॉमन आ जाएगा और 3x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर 3 पावर है यहाँ पर 2 तो कम पावर है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 1 1 और 2 पावर है तो यहाँ पर हम 5x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे कम पावर, तो यहाँ पर हमारे पास 2x को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 3x स्क्वायर प्लस 2 में से 2 बाहर आ जाएगा और 3x स्क्वायर प्लस 2 पावर 1 कॉमन आ जाएगा ये एज इट इज कॉमन प्लस 2 9 2x हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये एज इट इज कॉमन है तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2 5x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 3 जा 30 एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू जा 20 प्लस 9 5 जा 45 एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 30 और 45 75 एक्स स्क्वायर प्लस 11 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2x 3x स्क्वायर प्लस 2 5x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ तक आप छोड़ देंगे तो भी आंसर ठीक है, आगे अगर सोल्व करना चाहे 2x को 5x स्क्वायर माइनस 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये भी आपका आंसर ठीक होगा। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 1 2x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 1 4x प्लस 3
एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर माइनस टू। चलिए सोल्व करते हैं इसे। u और v, सबसे पहले u एज इट इज, 2x माइनस थ्री माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d बाय डी एक्स, 4x प्लस थ्री माइनस टू प्लस ये एज इट इज रखेंगे 4x प्लस थ्री माइनस टू d बाय डी एक्स, 2x माइनस थ्री रेज टू पावर माइनस वन। चलिए सोल्व करते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा आपका 2x 3 माइनस वन, और यहां पर कंपोजिट फंक्शन है तो ये हमारा आ जाएगा माइनस टू 4x प्लस थ्री माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और 4x का 4 हो जाएगा प्लस 4x प्लस थ्री माइनस टू, और यहां पर माइनस वन 2x माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू इंटू टू एक्स का यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 इंटू माइनस टू यहाँ पर माइनस एट, 2x माइनस थ्री माइनस वन और 4x प्लस थ्री माइनस थ्री यहाँ पर माइनस टू 4x प्लस थ्री माइनस टू इंटू यहां पर 2x माइनस थ्री रेज टू पावर माइनस टू। तो यहां पर चलिए सोल्व, माइनस टू और माइनस एट, माइनस टू को हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, यहां पर 2x माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू, तो यहां पर माइनस वन कॉमन आ जाएगी पावर, और यहां पर 4x प्लस थ्री 4x प्लस थ्री रेज टू पावर माइनस टू हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर माइनस टू माइनस एट को करेंगे तो 4 2x माइनस थ्री ये पूरा कॉमन आ चुका है, यहां पर 4x 4x प्लस थ्री माइनस थ्री में से अगर हमने माइनस टू ले लिया तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन यहां पर पावर आ जाएगी। उसके बाद माइनस टू टू हमने यहां पर सीधा कॉमन ले लिया है तो यहां पर प्लस का साइन हो जाएगा, और यहां पर 4x प्लस थ्री ये भी पूरा कॉमन आ चुका है, 2x माइनस थ्री यहां पर 2x माइनस थ्री माइनस टू में से माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन यहां पर कॉमन आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसे, माइनस टू 2x माइनस थ्री माइनस वन 4x प्लस थ्री माइनस टू, यहां पर इसको 4 अपॉन ये पॉजिटिव पावर 4x प्लस थ्री प्लस वन अपॉन ये पॉजिटिव पावर 2x माइनस थ्री एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस थ्री 2x माइनस थ्री, तो यहां पर ये कैंसिल आउट, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टू जा 8x माइनस 12 प्लस ये कैंसिल आउट 4x प्लस थ्री ब्रैकेट के अंदर ये एज इट इज आ जाएगा कॉमन है, तो यहां पर 8x प्लस 4x यहां पर हो जाएंगे 12x और माइनस 12 प्लस थ्री माइनस नाइन अपॉन 4x प्लस थ्री एंड 2x माइनस थ्री, यहां पर कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन आ जाएगा यहां पर, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 4x माइनस थ्री अपॉन माइनस टू, ये पहले से ही कॉमन है हमारे पास, तो ये हम पॉजिटिव पावर ले जाएंगे तो नीचे चली जाएगी ऊपर माइनस टू माइनस टू से, और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस थ्री यहां पर ये पॉजिटिव नीचे जाएगा तो 2 है यहां पर पावर,
और ये 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस हो जाएगी पावर 2x माइनस 3, यहाँ 1 है और ये भी नीचे आके 1, तो यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर माइनस 2 3 माइनस 6 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3 क्यूब 2x माइनस 3 स्क्वेयर हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट नंबर 5th, जितनी भी पीछे एक्सरसाइज हमने 4.1, 2, 3 में हमने जो भी फार्मूले हमने किए थे वो सब यहाँ पर रिवीजन हो रहे हैं आपके, उनको भी बड़े ध्यान से करना। आपको एक्स रेज टू पावर एन और चेन रूल को बड़े ध्यान से करना है, कंपोजिट फंक्शन में आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5th पार्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 1 चलिए सोल्व करते हैं इसे। u अपॉन v, आप देख रहे हैं कोसेंट दो फंक्शन है और यहाँ पर कोसेंट है, तो हम यहाँ पर कौन सा u अपॉन v, या हमने आपको बताया था इजी मेथड n और d, यानी कि d n डैश माइनस n d डैश अपॉन d स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। चलिए डेनोमिनेटर सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, न्यूमिरेटर का हम डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n, सेम न्यूमिरेटर एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज होंगे अंदर के, इंटू डी बाय डी एक्स डेनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2 आगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी पावर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2 का 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू यहाँ पर 3x स्क्वायर 2 3 जा 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको 2x और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4x, 3x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर इंटू कर लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 या फिर हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6x, इस 6x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाहर लिख लेंगे इसको ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर 4x और 6x तो यहाँ पर क्या जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, छोटी पावर हमेशा कॉमन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा 2 यहाँ पर आएगा
और ये 3x² प्लस 1, ये एज इट इज कॉमन आ चुका है, माइनस 6x को करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x² प्लस 2 टू पावर है, 1 बार आ चुकी है, अपॉन 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, 2x x² प्लस 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 3x² प्लस 1 से, तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 6x² प्लस 2, माइनस 3 को x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होंगे, बार माइनस का साइन है, -3x² - 6 अपॉन 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर 2x x² प्लस 2 6x और 3x², तो 3x² आ जाएगा, -6 + 2 - 4 आ जाएगा, और अपॉन 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहां तक छोड़ देंगे तो भी आंसर ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो भी हमारा ठीक होगा। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, सिक्स पार्ट में हमें गिवन है 3 upon 2x² + 5, 2x² + 5 का होल स्क्वायर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए सोल्व कर लेते, सबसे पहले 3 × इसको ऊपर ले जाएंगे, 2x² + 5 - 2, तो हमारे पास यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन 3 को हम कॉन्स्टेंट है बाहर ही रखेंगे, 3 × d/dx - 2 2x² + 5 - 2 - 1 - 3, फिर 2x² + 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 5 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 × -6 और 4 से करेंगे तो -6 को -24x 2x² + 5 - 3, पॉजिटिव पावर भी कर सकते हैं, -24x / 2x² + 5 raised to power 3, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7, √3x + 2 √3x + 2 + 1 upon √2x² + 4, डिफरेंशिएट विद द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफाइन करना डेरिवेटिव, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले u प्लस वी, दो सब फंक्शन है उनका सम दिया हुआ है, तो u प्लस वी वाला फार्मूला सेपरेट दोनों का डेरिवेटिव कर लेंगे, तो सबसे पहले हम इसका d/dx √3x + 2 + d/dx यहां पर 1 upon 2x² + 4, सबसे पहले यहां पर करेंगे, यहां पर इसको हटा के हम 1/2 कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 3x + 2 - 1/2 है तो पॉजिटिव कर लिया हमने,
वन बाय टू, फिर थ्री एक्स प्लस टू का हमारे पास क्या जाएगा थ्री, टू का यहां पर जीरो हो जाएगा, प्लस ये हम सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे इसको, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन बाय टू। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस वन बाय टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और माइनस वन बाय टू माइनस वन माइनस थ्री बाय टू इंटू, फिर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर का यहां पर हो जाएगा फोर एक्स, और फोर का यहां पर जीरो हो जाएगा। तो हम इसको यहां पर सोल्व करेंगे, थ्री बाय टू, यहां पर इसको हम थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, तो माइनस के यहां पर आ जाएंगे टू एक्स, और अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हमारी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर रेज टू पावर थ्री बाय टू हमारा फाइनली आंसर होगा। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को।